गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क के दोनों पार्ट्स को वन बाय वन करके सॉल्व किया था। आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर वायर अबाउट डायामीटर, हम लोग एक सर्कुलर वायर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे उसके डायामीटर के अबाउट। सो पहले मैं आपको सर्कुलर वायर और सर्कुलर डिस्क में थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा। जैसे अगर मैं इसको देखूँ, सो ये मेरा एक सर्कुलर डिस्क होगी, ठीक है, और अगर मैं इसको देखूं सो मेरा ये एक सर्कुलर वायर होगा। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब देखो, इसका जो मास है वो इसके पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका जो मास है वो इसकी सिर्फ और सिर्फ सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बीच में पूरा खाली है। सो इसकी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसमें हम लोग इसकी सर्कमफेरेंस को कंसिडर करेंगे, और इस केस में हम लोग इसके एरिया को कंसिडर करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दोनों जो प्रूफ किए थे उसमें मास पर यूनिट एरिया निकाला था, क्योंकि हमारा डिस्क का केस था। आज हमारा इस सर्कुलर वायर का केस है, तो हम लोग मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, और मास पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हम लोग इसके मास में इसकी सर्कमफेरेंस का डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मास है वो इसकी सर्कमफेरेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक अपना सर्कुलर वायर बना रखा है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए, ये भी इसकी रेडियस है स्मॉल ए, ठीक है। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कंसीडर अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस स्मॉल ए एंड मास कैपिटल एम। सिंस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कमफेरेंस, चूँकि यहाँ पर इसका जो मास है वो सिर्फ और इसकी सर्कमफेरेंस यानी कि इसकी रेडियस परिधि के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो है, तो इसलिए हमने इसको क्या करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। तो मैंने वही लिखा हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू मास अपॉन सर्कमफेरेंस। अब आप जानते हो एक सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन टू पाई इंटू रेडियस। तो इस पूरे वायर की रेडियस कितनी है, स्मॉल ए, सो मैंने आर की जगह पर यहाँ पर ए रख दिया है, ठीक है। सो ये मेरा मास पर यूनिट लेंथ निकला है। अब अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने वहाँ पे इस बीच एरिया में, इस बीच के एरिया में एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किया था, बट चूंकि यहाँ पर तो ये मेरा वायर है, इसका बीच का पार्ट पूरा कैसा होगा, हॉलो होगा, तो इसकी परिधि पर अब हम लोग इसकी आर्क का एक छोटा सा पार्ट लेंगे। सो मैंने यहाँ पर इसकी आर्क का एक पार्ट पी क्यू कंसीडर कर लिया है, ठीक है, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, इसके रेडियस के बराबर स्मॉल ए, और ये कितना एंगल बना रही है इसके साथ, ये जो आर्क है वो इसके सेंटर पे डेल्टा थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, ये एंगल डेल्टा थीटा बना रही है। सो हम लोग इसकी हेल्प से इस आर्क पी क्यू को निकालेंगे, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट निकालेंगे, और उसको ज़ीरो से, इस एंगल ज़ीरो से लेकर के टू पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो पूरे वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट निकल आएगा। सो मैंने भी लिखा हुआ है, लेट ए बी बी आ डायमीटर ऑफ वायर, ए बी हमारी एक डायमीटर है वायर की, वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वायर अबाउट ए बी, हमको ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। फॉर दिस कंसीडर एन एलिमेंट्री आर्क पी क्यू एट द सर्कमफेरेंस, हमने इसके लिए सर्कमफेरेंस पे एक आर्क पी क्यू मान ली, सच दैट, अब ये आर्क पी क्यू क्या है, आर्क पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एंगल इंटू रेडियस। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा 9th 10th में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो यहाँ पे मुझे आर्क चाहिए, सो आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगल। सो मैंने वही लिखा है, आर्क पी क्यू इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। अब यहाँ पे अगर मैं इस आर्क पी क्यू का एंगल देखूँ कितना बन रहा है, ये एंगल बना रही है डेल्टा थीटा, और रेडियस कितनी है, स्मॉल ए, सो मैंने वही लिखा हुआ है। सो लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू एंगल है डेल्टा थीटा इंटू ए, ये हमारी आर्क पी क्यू की लेंथ निकल आई है। अब इसका मास निकाल लेते हैं। सो अब इस आर्क पी क्यू का मान कितना आ गया है, डेल्टा थीटा इंटू ए। सो इसका मास कितना होगा, इफ़ डेल्टा एम बी द मास ऑफ पी क्यू, अगर पी क्यू का मास डेल्टा एम है, देन डेल्टा एम इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू ए रो डेल्टा थीटा, ये मेरी आर्क पी क्यू का मास निकल आया है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब आप देख लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी पी एन ई तो है, ठीक है। सो अगर ये आर्क पी क्यू इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, सो एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है, ए साइन थीटा, और पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा। सो ये वाली मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई, ए साइन थीटा, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो यही पी एन हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस आर्क की इस लाइन से, ठीक है। सो अब हम लोग वही लिखने जा रहे हैं, तो मैंने वही लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम ए वी इज इक्वल टू पी एन,
इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो पी एन का मान कितना आ गया ए साइन थीटा। ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई आर्क पी क्यू की और ये उसका मास आ गया है। सो हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क पी क्यू अबाउट ए वी इज इक्वल टू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सो डी आई इज इक्वल टू ए रो डेल्टा थीटा, ये मेरी डी एम की वैल्यू आई है। और पी एन का मान कितना था ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू रो ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मेरा पी क्यू का मोमेंट ऑफ एनर्जी आ गया है डायमीटर ए बी के अबाउट। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करके पूरी वायर का मोमेंट ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने वही लिखा हुआ है दस मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ होल वायर अबाउट ए वी इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रेशन डी आई। अब यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो वेरिएबल है वो थीटा है। क्यों आई इज इक्वल टू थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से टू पाई रो ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। सो मेरा क्या बचा जीरो से टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैंने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने इसको कॉस टू थीटा में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू रो ए क्यूब जीरो से टू पाई वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू डी थीटा। वन बाई टू को मैंने बाहर निकाल लिया है और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा माइनस कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा अपॉन टू जीरो से टू पाई। अब रो ए क्यूब बाई टू ऐसे ही रहा, अपर लिमिट क्या हो जाएगी थीटा की जगह पर टू पाई रखा तो टू पाई और यहाँ पर टू पाई रखा तो टू इंटू टू साइन फोर पाई अपॉन टू और लोअर लिमिट से ये दोनों टर्म जीरो हो गए। हमने इसको सॉल्व किया आई इज इक्वल टू ए क्यू बाई टू ऐसे ही रखा और रो की वैल्यू मैंने क्या रख दी है एम अपॉन टू पाई, ये हम लोगों ने ऊपर निकाली थी और ये टू पाई ऐसे ही रहा और साइन एन पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो जीरो होती है तो फोर पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी कि ये टर्म जीरो हो गया है। अब आगे देख लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू इस टू से ये वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और ए की सिंगल पावर से यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू वन बाई टू एम ए स्क्वायर। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है एक सर्कुलर वायर का उसके डायमीटर के अबाउट, ठीक है।